वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास नंबर 5। इसके पहले मैं आपको 4 क्लासेस में कई सारे क्वेश्चंस और ट्रिक्स पढ़ा चुका हूं और आज हम फिर बहुत सारे नए क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आज देख लेते हैं कि आज हम कौन से क्वेश्चन सीखेंगे। एक क्वेश्चन होता है कि जैसे विद स्टॉपेज आपको स्पीड दी होती है और विदाउट स्टॉपेज दिया हो रहता है, जैसे विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, और विराम स्टॉपेज को ले लिया जाए तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रहती है। इसी का एक और क्वेश्चन हम करेंगे। फिर दो कारें ए और बी एक दूसरे से दो अलग अलग स्थानों से 72 किलोमीटर प्रति घंटे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। बी ए की तुलना में 1 घंटे कम समय लेती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इस टाइप के 2 क्वेश्चंस आज हमारे रहेंगे। फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दो व्यक्ति 450 किलोमीटर प्रति घंटे से आंशिक अपने रूप से रेलगाड़ी और कार से यात्रा तय करते हैं। कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करी, कुछ दूरी कार से तय करी, तो कुछ समय लगा, बाद में स्पीड में और डिस्टेंस में कोई चेंज किया तो वहां पे समय कुछ अलग लग गया है। तो यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एक होता है। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटे देरी से पहुंचा, तो उड़ान के पहुंचने का निर्धारित समय क्या था। इसी का एक और क्वेश्चन रहेगा जो ट्रेन से जुड़ा रहेगा। और एक क्वेश्चन रहेगा कोहरे वाला, फॉग वाला। जैसे क्वेश्चन होता है कि सुबह के कोहरे में चलते हुए एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती, आदमी 3 मिनट तक कोहरे को देख कार को देख सका तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक ही देख पाया, कार की चाल क्या है। तो आज हम ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और आप यदि इसके पहले भी बेसिक और कई सारे जैसे रिलेटिव स्पीड है, एवरेज स्पीड है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप सीखना चाहते हैं तो मैंने 4 क्लासेस अभी तक ली हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी देखिए, आपको उनसे भी कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आपको पता ही है कि मैं हमेशा बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाना पसंद करता हूं, तो आपको मेरे जितने वीडियोज मिलेंगे, यदि आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है तो भी आप यदि मेरे वीडियोस देखना स्टार्ट करेंगे तो आप एकदम हर चैप्टर का बेस अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर उसके आगे के जो वीडियोस होते हैं उनको देखकर आप पूरा चैप्टर एडवांस लेवल तक अच्छे से सीख सकते हो। तो जीरो, जो एकदम मैथ्स में जीरो होते हैं, जिनको नहीं आता है, उनके लिए वीडियोस काफी हेल्पफुल होते हैं, तो आप इन्हें देखिए, आपको काफी हेल्प यहां पर मिलेगी। और सबसे खास कि उसका पूरा लॉजिकल मैथड कि आप शॉर्टकट में कैसे कर सकते हो, वो मैं यहां पर सिखाता हूं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे और विरामों को मिलाकर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? इंग्लिश में सवाल है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। हमारा क्वेश्चन है कि यदि कोई बस बिना स्टॉपेज के चले तो उसकी स्पीड रहती है 80 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉप, और यदि स्टॉपेज के साथ चलती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। फाइन, तो आपको ये बताना है कि जब वो स्टॉपेज के साथ चलती है, रुकते हुए चलती है, तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आपको करना क्या है, आपको देखना है दोनों का डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 किलोमीटर पर आवर का। अपॉन में आप रखोगे जो विदाउट स्टॉपेज, मतलब बिना विराम वाली, बिना रुके चलने वाली स्पीड है वो, ये आप रख दो। इससे आपको उसके रुकने का रेट पता चल जाएगा, रुकने की दर पता चल जाएगी कि वो हर घंटे में कितना स्टॉप देती है। पर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो आप 60 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 से डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा कि बस हर 1 घंटे में कितने मिनट का स्टॉप देती है, 15 मिनट का। बस ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सेम एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम करते हैं और अब मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को वहां पॉज करके इस क्वेश्चन को देखें। देखिए क्वेश्चन है हमारा, अवरोध को छोड़कर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब विदाउट स्टॉपेज 60 है, और स्टॉपेज रुकते हुए चले, अवरोध सहित चले तो उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, यह बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। ओके तो देखिए विदाउट स्टॉपेज इसकी स्पीड है 60, तो वो आपने सबसे पहले लिख दिया, और विद स्टॉपेज इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो आपने देखा कितने का डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस है 15 का, और हमेशा अपॉन में आप रखेंगे विदाउट स्टॉपेज वाला, तो वो हो गया आपका 60, और 1 घंटे में कितनी मिनट रुकती है वो आ जाएगा, तो आपको 1 घंटे में होते 60 मिनट, इससे गुणा कर देना है, तो ये भी कैंसिल होने के बाद इस क्वेश्चन का आपका आंसर भी सेम आ रहा है 15 मिनट। ओके तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी ट्रिक है, और आप इससे हमेशा आंसर सेकेंड्स में ला सकते हो। तो ये तो हमारा एक टाइप हुआ, हम इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट जो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम देखते हैं।
दो कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलना प्रारंभ करती है। कार बी को कार ए की तुलना में एक घंटा कम लगता है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है? ओके, देखिए इस क्वेश्चन को हम रेशो से करेंगे और मैंने आपको पुराना एक कॉन्सेप्ट बताया है कि यदि स्पीड के रेशो को इन्वर्स कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो वो समय का अनुपात बनता है, या समय को पलट दें तो वो चाल स्पीड का रेशो बनता है। तो आपके पास दो कार हैं जो अलग अलग स्पीड से चल रही है, एक 72 है एक 90 है। तो देखिए सबसे पहले एक कार हो गई ए, एक कार हो गई बी, और हम इनका स्पीड का रेशो बनाते हैं, चाल का अनुपात बनाते हैं। तो इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आर और इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आर। ठीक है, अब आप सबसे पहले तो इसका रेशो बनाइए। तो दोनों किसी नंबर से कैंसिल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। 18 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स और 18 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। तो ये आ गया इनका स्पीड का रेशो। और आपको पता है कि स्पीड को यदि हम इन्वर्स कर दें, पलट दें, तो वो किस चीज का अनुपात बनता है? उनके समय का, समय मतलब टाइम का। तो टाइम का रेशो क्या बन जाएगा? 5:4। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कार बी कार ए से एक घंटा कम लेती है ना। आप देखिए रेशो में, इसका रेशो है 5, इसका रेशो है 4, तो आपको दिख रहा है कि रेशो में एक कम है, एक कम है और एक्चुअल में एक घंटा कम लग रहा है। सो 1 यूनिट की वैल्यू है 1, तो 1 की वैल्यू 1 है, तो 1 × 5 मतलब ये हो जाएगा 5 आवर्स, 1 × 4 ये हो जाएगा आपका 4 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ए कार है यदि वो 72 किलोमीटर की स्पीड से चले तो उसे 5 घंटे लगेंगे उस शहर तक पहुंचने में, और वही यदि कार भी 90 की स्पीड से चले तो उसे 4 घंटे लगेंगे। अब आप किसी भी एक से डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे? हम जैसे ये वाला ले लें, तो देखिए 72 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 5 घंटे तक चलना, इसका मतलब होगा 360 किलोमीटर, या आप इससे भी निकाल सकते हो 90 की स्पीड से 4 घंटे तक चलना, इसका मतलब भी होगा 360 किलोमीटर। और बस यही आपका आंसर है कि दोनों शहरों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। तो बहुत सिंपल, आपने रेशो बनाया पहले स्पीड का, उसको पलट दिया तो टाइम का रेशो बन गया। आपने देखा कि एक्चुअल में 1 यूनिट का डिफरेंस है और वास्तव में भी 1 घंटे का अंतर है, 1 = 1 घंटे। तो यहां 5 = 5, 4 = 4, इस स्पीड से चलेंगे तो 5 घंटे लगेंगे, इस स्पीड से चलेंगे तो 4 घंटे लगेंगे, दोनों की डिस्टेंस सेम आएगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अब एक और सेम क्वेश्चन लेते हैं और इसको आप लोग एक बार जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है सेम की दो कारें हैं, उनकी स्पीड 48 और 60 है और ए से बी तक यात्रा करते हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार से 3.5 घंटे का समय कम लेती है, तो आपको अगेन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। चलिए सेम क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए आपको स्पीड दी हुई है 48 और 60, एक की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आर, एक की स्पीड है 60, तो हम 12 से डिवाइड कर दें 4 टाइम्स, 12 से डिवाइड कर दें 5 टाइम्स, तो इनका स्पीड का रेशो आ गया 4:5, तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा? 5:4। अगेन सेम हो रहा है, आपने देखा कि यहां पर डिफरेंस कितने का है? 1 का है। ओके, 1 का डिफरेंस है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, 1 का डिफरेंस है। और एक्चुअल में इस बार आपको बोला है कि 3.5 घंटे कार बी जो है कम लेती है, तो 1 का डिफरेंस है बट एक्चुअल में 3.5 आवर्स का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू ये। अब आप चाहें तो 3.5 का × 5 में कर दें तो इसका टाइम पता चल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका। अब देखो आपको दोनों में मल्टीप्लाई नहीं करना है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसलिए बताया था कि आपको समझ में आए कि दोनों से आंसर ला सकते हो, पर हमें एग्जाम में बचाना है समय, और समय बचाने के लिए देखना है कि कहां पे मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। तो 3.5 का 4 में मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान रहेगा, 3.5 × 4, तो यदि आप ये करोगे तो आपको मिलेगा 14 आवर्स। ठीक है, 3.5 का 4 गुना क्या हो जाएगा? 14 घंटे, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला जाए तो कितने घंटे लगेंगे? 14 घंटे लगेंगे। तो बस 60 की स्पीड से यदि कार 14 घंटे तक चलेगी तो 14 × 6 = 840 किलोमीटर, ये आ गई दोनों शहरों के बीच की दूरी। फाइन, क्लियर है? तो ये एक और सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। आगे अब बढ़ते हैं आने वाले, अब हमारे जो क्वेश्चंस है ये तो थोड़े बेसिक क्वेश्चंस हो गए, अब जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और दिमाग लगाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट टाइप का। रवि 300 किलोमीटर की दूरी कुछ भाग रेलगाड़ी से कुछ भाग कार द्वारा तय करता है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी कार से तय करे तो उसे पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है।
100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी तथा शेष भाग कार से तय करे तो वह 10 मिनट अधिक लेता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दो क्वेश्चंस हम करेंगे और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम पूरा लॉजिकल तरीके से करेंगे, कोई लॉन्ग मेथड नहीं। देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। टोटल 300 किलोमीटर की यात्रा है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करे तो देखो दो चीजें हमारे पास, एक हो गई रेलगाड़ी, ठीक है, इससे यदि 60 किलोमीटर जाए तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग जाता है वो किससे, कार से, उसे 4 घंटे का समय लगता है। सो रिमेनिंग हो गया कार से। अब 60 किलोमीटर इधर हो गया तो टोटल की जो जर्नी है वो 300 किलोमीटर की है तो बचा कितना हमारे पास, 240 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल हमारी जर्नी जो है 300 किलोमीटर वो एज इट इज है। 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी का कार से जाए तो उसे लगते हैं 4 घंटे, ये ट्रेन लिख दिया मैंने और इधर मैंने लिख दिया टोटल 4 आवर्स। यदि 100 किलोमीटर वो जाता है कार से, सॉरी रेलगाड़ी से और बाकी का ट्रेन से तो 10 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी का कार से, तो देखो 300 में से 100 ये हो गया तो बचा कितना, 200। अब उसे 10 मिनट अधिक लगेंगे मतलब 4 आवर्स 10 मिनट लगेंगे, बस इतना ही बोला है। और आपसे बोला है कि ट्रेन की स्पीड बताओ या कार की स्पीड बताओ, जो भी आपसे कहा गया हो। अब देखिए यहां पर हम लॉजिक क्या लगाएंगे वो आप ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन एक बार और अच्छे समझ लें। 60 किलोमीटर ट्रेन से, 240 किलोमीटर कार से तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर कार से तो उसे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। बस अब देखिए हमें मेन ये ऑब्जर्व करना है कि यहां 60 से ये 100 हो गया। आप ट्रेन से भी आंसर ला सकते हो, कार को बेस लेकर भी आंसर ला सकते हो, बट हमें क्योंकि ट्रेन का पूछा है तो हम ट्रेन वाले जो डेटा है उसको बेस ले लेंगे। बाकी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कार वाला या कुछ रहेगा तो हम उसको भी समझेंगे। आप ये देखिए कि यहां पे कितने किलोमीटर का डिफरेंस आ गया, 40 किलोमीटर का। 40 किलोमीटर हम यदि ट्रेन से एक्स्ट्रा चलते हैं तो आप यहां देखिए कितने मिनट का डिफरेंस आ गया है, 10 मिनट का, ठीक है। मेन आप ये समझिए, आपने 40 किलोमीटर ट्रेन से एक्स्ट्रा कवर किया तो इधर 10 मिनट्स ज्यादा लग गए, ठीक है। मतलब 40 किलोमीटर आप यदि चलोगे तो आपकी जर्नी 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में बस एक छोटा सा काम करना है कि पूरी डिस्टेंस को या तो ट्रेन में कन्वर्ट कर दो या कार में कन्वर्ट कर दो, किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो आपके पास ऑलरेडी 60 किलोमीटर ट्रेन है, इसको भी हम ऐसा करते हैं कि ये जो कार से तय किया है इसको भी ट्रेन में कन्वर्ट कर दें। देखो 60 तो ट्रेन से कवर है, यदि ये 240 किलोमीटर भी ट्रेन से कवर करा जाए तो कितना टाइम और एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो देखो 40 किलोमीटर से 10 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है तो मुझे इस 240 किलोमीटर को भी बाय ट्रेन में ही कन्वर्ट करना है। तो देखो 40 को यदि मुझे 240 बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का। तो इधर भी किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का, मतलब कितने मिनट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर, ठीक है। अब आप बात समझना कि हमने किया क्या है, बस आपका आंसर आ गया है, 5 से 10 सेकंड का काम बचा है बस, पर यह समझ में आना जरूरी कि हमने क्यों किया। देखिए यदि ट्रेन से हम इस डिस्टेंस को भी कवर करें, 60 किलोमीटर तो आप ट्रेन से जा ही रहे हो, यदि 240 किलोमीटर भी ट्रेन से जाते तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगता, मतलब टोटल 300 किलोमीटर यदि ट्रेन से हो जाए तो आपका 1 घंटा और बढ़ जाएगा, मतलब ट्रेन से पूरी जर्नी कवर की जाए तो 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो देखो पूरे 300 किलोमीटर की जर्नी बाय ट्रेन कवर की जाए तो 4 घंटे और 5 घंटे लगेंगे, 5 से आपने डिवाइड कर दिया तो आपको ट्रेन की स्पीड मिल गई 60 किलोमीटर पर आवर, बस इतना सा करना है, समझे। ये आपका मेन यहां पे बेस हो जाएगा। और यदि आपने ट्रेन की स्पीड निकाल ली तो आप कार की स्पीड भी निकाल सकते हो। आइए देखें हम कार की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। देखिए किसी भी एक इक्वेशन से हम वापस कार की स्पीड निकालेंगे। देखिए जैसे आप यहां पे वापस ओल्ड केस में आ जाओ, टोटल 4 आवर्स था, 60 ये था। अब देखिए ट्रेन की स्पीड भी 60 है और वो 60 किलोमीटर भी चलती है, तो टोटल 4 आवर्स में से 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से कवर करने में 1 घंटा तो ट्रेन ले लेगी, मतलब बचे कितने घंटे, 3 घंटे बचे। और ये 3 घंटे में कौन चलती है, कार, तो 240 किलोमीटर में कार चली है 3 घंटे तक,
तो 3 से आपने डिवाइड किया तो कार की स्पीड आपको मिल गई 80 किलोमीटर पर आवर। हालांकि आपसे पूछा ट्रेन है, बट मैंने आपको कार वाला भी सिखा दिया। भाई टोटल लगे हैं 4 घंटे, 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से, मतलब 1 घंटे तक ट्रेन चली, तो 1 घंटे इसमें से गए, बचे हमारे पास 3 घंटे। 3 घंटे तक कार चली है 240 किलोमीटर, मतलब उसकी स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और फंडा क्लियर हो जाएगा। पर मेन आपको यह देखना होता है कि आपसे पूछा क्या गया है, वो वाला बेस लो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है रेलगाड़ी से और कार से। इस बार हमारी टोटल जो डिस्टेंस है वो है 450 किलोमीटर। ठीक है, पहला बोल रहे हैं कि 240 किलोमीटर ट्रेन से तय करें, 240 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो बचेगा कितना, 210 किलोमीटर बाय कार। 240 किलोमीटर ट्रेन से चले तो कार से कितना हो जाएगा, 210। और अब उसको लग रहे हैं 8 घंटे 40 मिनट, तो 8 आवर्स 40 मिनट। सेकेंड कंडीशन आपसे बोल रहे हैं कि यदि 180 किलोमीटर ट्रेन से तय करे, 180 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब आप ये देखो कि 180 ये हो गया तो हमारे पास बचा कितना, तो 450 में से यदि 180 माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 270 आ जाएगा, 8 और 7 15 2 3 और 1 4। और अब उसे कितने घंटे लग रहे हैं, तो अब उसका समय जो है 20 मिनट और अधिक लग जाता है। कार से तय करें तो 20 मिनट का समय अधिक लगता है, 8:40 लग ही रहा था, अब उसे 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मतलब 9 घंटे 10 मिनट लग जाएगा। इतना क्लियर है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये आप एक और चीज देख लो कि लास्ट में आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कार की स्पीड बताओ। इस बार किसकी स्पीड पूछी है, कार की, तो हम ट्रेन को बेस नहीं लेंगे, हम किसको बेस लेंगे, कार को। ठीक है, आप ये देखिए कि यहां पे 60 किलोमीटर बढ़ने से 20 मिनट बढ़ गए, फाइन, 60 किलोमीटर से 20 मिनट बढ़ गए, तो ये तो कार है, यदि ये भी कार तय करे तो कितना टाइम बढ़ेगा, तो इसको 240 को कन्वर्ट करना है। तो आप ये बताइए कि 60 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 240 आ जाए, तो आपको पता है कि 4 का मल्टीप्लाई करो, तो आपको 4 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 80 मिनट। ठीक है, मतलब यदि ये 240 किलोमीटर भी कार से तय किया जाता तो उसे 80 मिनट ज्यादा लगता। ठीक है, किसमें 80 मिनट ज्यादा लगता, इसमें। ओके, अब आप बात समझिए, टोटल हमारी डिस्टेंस है 450 किलोमीटर, यदि पूरे 450 किलोमीटर बाय कार कवर किया जाए, सिर्फ कार से तय किया जाए, तो इतना टाइम तो लगेगा, साथ में 80 मिनट और ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो 80 मिनट किसमें ज्यादा लगेंगे, 8 घंटे 40 मिनट में 80 मिनट और ज्यादा लगेंगे, तो 8:40 में यदि आप 80 मिनट जोड़ोगे तो ये आ जाएंगे 9 घंटे। ठीक है, मतलब 450 किलोमीटर यदि कार से तय करोगे तो 9 घंटे लगेंगे, 9 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, आपको कार की स्पीड मिल गई 50 किलोमीटर पर आवर, और आई थिंक आपका भी आंसर इस बार आ गया होगा। और नहीं समझ में आया है तो फंडा आपको समझ में आ गया होगा, 60 किलोमीटर बढ़ने से 20 मिनट्स बढ़े, तो यदि ये 240 भी हम जाएं तो 80 मिनट्स बढ़ जाएंगे, इसमें 80 मिनट्स बढ़ जाएंगे। अच्छा सॉरी, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी है, 80 मिनट्स हम प्लस करेंगे तो 10 आवर्स आएंगे, सॉरी, और 10 से आप यदि इसको डिवाइड करते हो तो 45 किलोमीटर पर आ आएगा, सॉरी, तो 8 आवर्स 40 मिनट, 80 मिनट प्लस होंगे तो टोटल हो जाएगा 10 आवर्स, 10 से डिवाइड करेंगे 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट, अब हम टाइप देखते हैं, अगला टाइप भी काफी अच्छा है, इसमें फिर हमारे पास 2 क्वेश्चन है। देखिए, खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी, ठीक है, और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटे देरी से पहुंचा, बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी। ओके, देखिए इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, जनरली इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करना सिखाता हूं कि आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हो, और ऑप्शन से करना भी आपको आना चाहिए। यदि आपको ऑप्शन से करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं बहुत ही जल्द ऑप्शन से कैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं अलग अलग चैप्टर्स के, उसको लेकर भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, और यदि आप ये वीडियो जल्दी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप ये भी बताइए कि सारी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं, वो भी कमेंट करिए, और आप अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताइए। साथ ही आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरा आप टेलीग्राम
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल आप विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर लिखेंगे, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, विदाउट स्पेस आप सर्च करिएगा, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। तो वहां भी आपको मैथ्स की कई सारी प्रैक्टिस शीट मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यह है, इसमें दो टाइप होते हैं। एक होता है जब आपसे सिर्फ स्पीड पूछा जाए, और इस क्वेश्चन में आपसे एक्चुअल टाइम पूछा हुआ है। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो ही ऑप्शन होते हैं, पहला खुद ऑप्शन होता है और दूसरा आप इसको सॉल्व कर सकते हो एक्स से। यदि केवल स्पीड आपसे पूछी जाती तो हम इसको ऑप्शन से कर सकते थे, बट आपको यहां पर बोला है एग्जैक्ट टाइम, तो आपको एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए एक्स का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम समझ लेते हैं, हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो 1200 किलोमीटर है, मतलब 1200 किलोमीटर एक एरोप्लेन को जाना था, ठीक है, और 300 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार कम कर दी और वो 2 घंटे लेट हो गया, ठीक है। तो 2 घंटे लेट हो गया मतलब 2 घंटे का समय उसको ज्यादा लगा। तो सपोज कि पहले उसकी स्पीड एक्स किलोमीटर थी और अब उन्होंने स्पीड उसकी 300 किलोमीटर कम कर दी, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल में होगा, 2 आवर्स के होगा, ठीक है। देखो हमेशा जो वैल्यू बड़ी होगी उसको आगे रखेंगे ना, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तभी तो यहां पे इक्वल में पॉजिटिव आंसर आएगा। तो आपको ये बोला है कि यहां पर जो भी समय लगता है, जो समय पहले लगता था उससे 2 घंटे यहां ज्यादा लग रहे हैं, तो यहां जो स्पीड थी वो एक्स थी, यहां 300 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड कम कर दी, इसलिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 घंटे आ रहा है। आइए तो देखें इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इसमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 300 इंटू एक्स, और 1200 और एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा, और इधर 1200 और एक्स माइनस 300 इधर हो जाएगा और इक्वल में आपका चलेगा 2। अब आप यहां देखेंगे ध्यान से तो 1200 कॉमन हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेप हमें बचाना है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो 1200 कॉमन निकलेगा और इस कॉमन को हम इधर ले आएंगे। तो देखिए उसके बाद यहां पर बचेगा क्या, एक्स, फिर इधर हो जाएगा आपका माइनस एक्स, और माइनस माइनस इंटू हो जाएगा तो प्लस का 300 हो जाएगा, अपॉन में एक्स माइनस 300 इंटू एक्स एज इट इज है, और 2 अपॉन में हो जाएगा 1200, ठीक है। ये जो 1200 कॉमन निकला था, इनके आगे 1200 लिखा था, उसको मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया है। अब आप देखेंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा आपका 600 बार, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे बचेगा 600 और 300। तो अब आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि 600 इंटू 300 इक्वल में, ये दोनों को इस तरफ ले लें हम, तो ये हो जाएगा आपका एक्स और एक्स माइनस 300, ठीक है। अब आप इसको आगे सॉल्व मत करिए, आप ऐसे रखने की कोशिश करिए कि क्या हो सकता है। तो आप ये देखिए कि यहां पर x है और यहां उससे 300 कम है, तो ऐसी हमें दो संख्या सोचना है कि वो संख्या और उसमें 300 घटा दिया जाए। तो आप यहां क्लियर देख सकते हो कि x यदि 600 हो तो 600 में से 300 जाएगा, तो ये आपको 300 मिल रहा है, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, 600 किलोमीटर पर आर। x हमने जो माना था उसकी इनिशियल स्पीड मानी थी, तो एरोप्लेन की जो स्पीड है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे है, इनिशियल वाली, प्रारंभिक वाली। अब आपसे पूछा है कि वास्तविक समय क्या लगेगा, तो 1200 किलोमीटर को यदि पुरानी वाली स्पीड से 600 किलोमीटर पर आर से कवर किया जाए तो उसे कितने घंटे लगेंगे, 2 आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि टाइम निकालना था इसलिए हमें इतना सारा करना पड़ा, यदि केवल स्पीड पूछा होता तो हम इसको ऑप्शन से ही कर लेते। अगले क्वेश्चन में आपको ये चीज और अच्छे समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगर किसी ट्रेन की गति उसकी सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम में पूरी वो कर लेगी, ट्रेन की सामान्य गति क्या है। मैं आपको इसके ऑप्शंस भी बता देता हूं और एक बार आप वीडियो को रोककर ऑप्शन से करने की कोशिश कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। स्पीड उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी तो 300 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 2 घंटे कम लगे हैं। आपके ऑप्शन है 10 किलोमीटर पर आर, 20 किलोमीटर पर आर, 25 किलोमीटर पर आर और 30 किलोमीटर पर आर, ठीक है। आप इनमें से ऑप्शन रखकर देखिए क्या हो सकता है। सवाल ऐसा है कि आपको पहले भी 300 किलोमीटर ही जाना था, बाद में भी 300 किलोमीटर ही जाना है, बट दोनों में स्पीड का डिफरेंस है, और कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो ऐसी स्पीड सोचो कि जो 5 का डिफरेंस हो। तो सपोज आप वन बाय वन में आपको करके बता देता हूं, सपोज पहले स्पीड 10 थी, बाद में स्पीड 15 हो गई, तो आप देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे 30 आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे 20 आ रहा है, तो यहां पे 10 घंटे का अंतर आ रहा है, जबकि आना कितने का चाहिए, केवल 2 घंटे का, मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग है। फिर हमने सेकंड ऑप्शन उठाया कि पहले स्पीड 20 हो और बाद में 5 बढ़ जाए, मतलब 25 हो जाए,
तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो यहां पे आ जाएंगे आपके 15 घंटे, और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यहां पर आपके आ जाएंगे ये हो जाएगा आपके 12 घंटे। तो अभी भी आप देखिए कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, मतलब आपका ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। फिर हम आगे बढ़े, सपोज स्पीड हम 25 ले लें कि पहले स्पीड 25 थी और बाद में स्पीड 30 हो गई। अब सॉल्व करके देखें तो 25 से डिवाइड करोगे तो 12 आवर्स और 30 से डिवाइड करोगे तो 10 आवर्स। आप देखिए 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, यही चाहिए था, तो बस हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो आप ऐसे फिर अगेन ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फिर हमारे पास एक्स ही ऑप्शन है कि इसको हम इधर एक्स रखें, इधर एक्स प्लस 5 रख के सॉल्व करें, माइनस करके फिर आप इक्वेशन से कर सकते हो। बट केवल स्पीड पूछा है तो आप इक्वेशन से मत करिए, ऑप्शन से करना सीखिए, ज्यादा जल्दी आपका आंसर आएगा। आइए लास्ट टाइप पे हम चलते हैं और ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, कोहरे वाला एक क्वेश्चन होता है। तो पहले तो हम क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं। सुबह के कोहरे में चलते हुए कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है, कार की चाल क्या है? चलिए इसको हम अच्छे समझते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं और आप इसका आंसर भी सेकंड्स में ला सकते हो, पर कैसे उस पर हम बात करते हैं। देखिए जिस दिशा में कार जा रही है आदमी भी उसी दिशा में जा रहा है, और आदमी की स्पीड आपको ऑलरेडी दी हुई है, और 3 मिनट तक कार को देख सका और आखिरी बार जब देखा तो कार और आदमी में 130 मीटर का डिफरेंस था। देखिए सपोज करिए कि पहले एक आदमी यहां पर था और एक कार जो है यहां से आती है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आने वाले टाइम में आदमी जो है यहां से यहां पहुंच जाता है, ठीक है, और कार यहां से ऑब्वियसली आदमी से आगे चले जाएगी, तो कार अब यहां पहुंच गई। आखिरी बार जब कार को उसने देखा तो उस व्यक्ति में और कार में 130 मीटर का डिफरेंस था, ठीक है। अब देखिए टाइम कहां से स्टार्ट हुआ, जैसे ही कार आदमी के पैरेलल आई हमने टाइमिंग स्टार्ट कर दिया, आदमी यहां से यहां पहुंचा, कार यहां से यहां पहुंच गई, कोहरा होने के कारण अब कार उसको दिखना बंद हो गई। आखिरी बार जब आदमी यहां खड़ा था तो कार यहां थी और उनके बीच में कितने का डिस्टेंस था, 130 मीटर का था, फाइन। अब आप यहां पे देखिए कि मैन ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 मिनट में क्रॉस कवर करी है और कार ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 मिनट में कवर की है, मतलब टाइमिंग उनका सेम है ना, स्पीड अलग अलग है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको पता है कि ये रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट है, सेम डायरेक्शन है, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा S1 माइनस S2, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा वो S1 माइनस S2, मतलब दोनों की चाल का अंतर आएगा। आप बस एक छोटा सा काम करो, देखो आपको S1 माइनस S2 लगाना है और यहां पे आपको उनकी एक कोई भी वैल्यू पता करनी है, जो कि आपको पता है इसमें से S1 मतलब कार की स्पीड आपको नहीं पता है, S2 आदमी की स्पीड पता है जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि 130 मीटर का डिफरेंस है उनमें और टाइम कितना है, 3 मिनट का है, ठीक है। आप ये करेंगे कि 130 मीटर 3 मिनट में, मिनट को पहली बात तो ये मीटर है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 2 जीरो से, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 3 से ये कैंसिल हो गया आपका 2 बार, 2 से कैंसिल हो गया 5 बार और 5 से यदि मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 2.6। तो आप याद रखिएगा कि हमेशा ये जो आएगा ये इन दोनों का डिफरेंस आएगा, दोनों की स्पीड का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो 130 अपॉन 3 को मैंने सॉल्व किया यहां पर, तो मैं डायरेक्ट यहां पर वैल्यू रख देता हूं कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस है 2.6 किलोमीटर पर आर। अब मुझे कार की स्पीड बतानी है तो माइनस का 4 उस तरफ जाएगा तो 4 और 2 इट विल बिकम 6.6 किलोमीटर पर आर और ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हमेशा याद रखिए जो डिस्टेंस उनके बीच की है और जो टाइमिंग है इसको यदि आप कैलकुलेट करते हो तो ये उनकी स्पीड का डिफरेंस आएगा, और कार मैन की स्पीड आपको ऑलरेडी पता थी, उसमें आपने जो डिफरेंस आया उसको प्लस किया, आपको कार की स्पीड पता चल गई, दैट इज 6.6 किलोमीटर पर आर, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, कई लोगों को ये एकदम समझ में नहीं आता है तो फिर मैं आपको इसकी लॉन्ग मेथड बता सकता हूं, लॉन्ग तो नहीं बोल सकते हैं, बाकी आपको उससे फंडा क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए आप ये समझ जाइए कि हमारे पास दो चीजें हैं,
मैन ने केवल यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करी जो इसकी इक्वल है, पर कार ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करी। मतलब यदि 3 मिनट में देखा जाए तो कार ने एक्स प्लस 130 मीटर कवर किया है ना, और आदमी ने केवल एक्स कवर किया है। अब देखो आदमी की स्पीड है, हम बात कर रहे हैं मैन की, आदमी की, आदमी 4 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कितने मिनट तक चल रहा है, 3 मिनट तक, ठीक है। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर पर आर है और 3 मिनट है, मिनट को यदि आर्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यदि मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाएगा आपका कितना, 20, 4/20 मतलब होता कितना है, 4/20 मतलब 1/5 किलोमीटर, 1/5 किलोमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 200 मीटर, ठीक है। मतलब आदमी ने यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस कवर करी है दैट इज 200 मीटर, और यदि ये 200 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 200 मीटर होगा। मतलब कार ने 200 प्लस 130, अब आप देखिए कार का, कार ने टोटल 330 मीटर कवर किया है और उसने भी टाइम कितना लिया है, 3 मिनट ही लिया है, तो आप यहां पे 3 मिनट रख देंगे, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, मीटर है किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000, और मिनट है मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो 60, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 से कैंसिल हो गया 2 बार, 2 से कैंसिल हो गया 5 बार, 33 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कार की स्पीड मिलेगी 6.6 किलोमीटर पर आर। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम कार की टोटल डिस्टेंस निकाल लें और फिर 3 से डिवाइड करें, पर ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप उनका डायरेक्ट डिफरेंस निकालो, 130 डिवाइडेड बाय 3 डिफरेंस मिल जाएगा, मैन की स्पीड जो रहेगी उसमें प्लस कर दोगे आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड मैंने आपको समझा दी, एक और क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं, और ये वाला मेरे ख्याल से आप अब आपको जो दोनों में से अच्छी मेथड लगी है आप उससे करिए, पर आंसर जल्दी से आपको बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गाड़ी चालक कोहरे में गाड़ी चलाते हुए एक पैदल यात्री को पार करता है जिसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यात्री उस गाड़ी को 6 मिनट तक 0.6 किलोमीटर की दूरी तक देख सका, कार की गति ज्ञात कीजिए। सारी कंडीशन सेम है, एक आदमी है और वो यहां से यहां पहुंच जाता है जबकि एक गाड़ी है, ठीक है, ये यहां से ये गाड़ी सपोज लास्ट यहां तक पहुंच जाती है, ठीक है, और लास्ट जो इनके बीच का डिफरेंस था वो था 0.6 किलोमीटर, और आदमी यहां से यहां तक जो पहुंचा है वो कितने टाइम में पहुंचा है, 6 मिनट में, तो आपके पास आदमी का भी टाइम 6 मिनट है और ये जो गाड़ी है इसका टाइम भी आपको दिया हुआ है 6 मिनट। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सेम डायरेक्शन है S1 - S2 और इधर उनका आ जाएगा डिफरेंस, तो S1 आपके पास गाड़ी की चाल नहीं पता है, S2 आदमी की चाल कितनी दी हुई है वो आपको दी हुई है 2 किलोमीटर पर आर, ओके। और x हमेशा क्या होता है, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो वो इनका डिफरेंस आएगा, तो 0.6 किलोमीटर 6 मिनट में, ठीक है, इसको हम मिनट से आर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यदि इसका डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 0 हो जाएगा, 0 से ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 6 किलोमीटर पर आर, मतलब आदमी और गाड़ी की चाल का अंतर है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 उधर जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कार जो है या जो भी गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, और अब आपको ये बहुत अच्छे चीजें समझ में आ गई होंगी। So, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड आई एम श्योर कि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ नए और थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।